विश्व की स्टेज पर है ये सोचो हमेशा। तो पहला होमवर्क अमृत वेला, बीच बीच में होमवर्क बताते जाएंगे, उस पर काम करते जाना है। दूसरा होमवर्क बताया योग का चार्ट, 4 आवर्स साइलेंस इंटरमिटेंट बीच बीच में जितना हो सके। और अभी बता रहे हैं बैठना, स्थिर बैठने का अभ्यास करना है। जितना पानी स्थिर होगा उसमें, जो ऊपर का चंद्रमा का प्रतिबिंब होगा उस झील में, निस्तरंग झील बन जाए चेतना। मन को वश में करना, मन कहाँ भागता है उसकी स्टडी करना है, किस ओर जाता है। दो ही चीजों की तरफ जाता है, या तो अतीत या भविष्य, पास्ट में जाएगा या तो फ्यूचर में जाएगा। समझना है उसकी उसकी चंचलता को देखना है। अभ्यास न तो कौनते ये वैराग्य न चुगुहियत, अभ्यास और वैराग से है अर्जुन, हे कुंती पुत्र इस मन को वश में कर। चंचल मन कृष्ण, मैं क्या करूं, कैसे मन को वश में करूं? तो भगवान का उत्तर है अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मन भागता है फिर लाओ उसे। रोज एक काम करना है, अनदर होमवर्क, 4 धाम की यात्रा हर दिन होनी चाहिए। कैसे? मन से। यहां से जाने के बाद बाबा की कुटिया में आओ, उदास हो जाओ तो बाप की कुटिया में बाप से रूरियान करने पहुंच जाओ। शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ, व्यर्थ संकल्प बहुत चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। रोज सुबह या शाम या जब भी हो, आंखें बंद और अमृत वेला, किसी भी टाइम मधुबन के 4 धाम की यात्रा करनी है। ठीक है, ये तो आसान काम है। और केवल आना नहीं है, वहां कुछ करना है, उस आने को क्रिया से छात जोड़ देना है। कुटिया में मैं गया, बाबा ने मुझे अंगूठी पहनाई, ये दृश्य इमर्ज करो। हिस्ट्री हॉल में बाबा ने शॉल पहना दी। शांति स्तंभ पर था, वहां से किरणें आई और मेरे अंदर समा गई। कहीं दर्द है, वो दर्द चला गया। हर बार मधुबन में जब आते हो और ये ड्रिल करते हो मन में, तो क्रिया को जोड़ना है स्थान से, एक एक स्थान के साथ एक एक क्रिया। बाबा के कमरे में अग्निकुंड जला हुआ है, अपने सारे किए हुए पाप ब्राह्मण बनने के बाद के उसमें डाल दो, उस दृश्य को इमर्ज करो। यहां से जाने के बाद के काम है ये सारे। वो जो 21 दिन की आप सबकी भट्टी चलेगी 5 तारीख से, एक एक दिन मार्क करते जाना। पहला दिन 6 तारीख, दूसरा दिन, कभी गलती हो गई फिर से उठो, गिरे फिर उठो, फिर चालू करो सब कुछ नया। तो चंचल मन, भटकती बुद्धि कहां भटकती है चेक करो। और पुराने संस्कार, वो कौन सा संस्कार है? रोने का संस्कार क्या अब तक है? अब तक भी बुरा लगता है, अब तक भी रूसना रूठना नाराज होना, घृणा नफरत ईर्ष्या क्या है? कोई आगे जाता है तो घृणा ईर्ष्या होती है उसके प्रति, क्यों? हरेक का पार्ट अपना अपना है, हरेक का भाग्य अपना अपना है, फिर भी हम डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? इंसल्ट सहन करने की शक्ति ब्राह्मणों में बहुत कम है, दादी ने कभी कहा था। ये सेकंड प्रायोरिटी है हमारे जीवन की। थर्ड प्रायोरिटी, संबंध, रिलेशनशिप्स, आपसी संबंध कैसे है, उसमें 3 बातें हैं। संबंधों में रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, मधुरता। जो भी हमारे संबंध है, हमारे किस किस के साथ संबंध है, पहला सीनियर्स के साथ हमारे संबंध कैसे, दूसरा जूनियर्स, तीसरा साथी जो हमारे उनके साथ संबंध, अगला ये परिवार या अगर कोई टीचर बहन है तो स्टूडेंट्स के साथ कैसे संबंध है, अगला बाहर वालों के साथ संबंध कैसे है, अगला हमारे लौकिक वालों के साथ संबंध कैसे है, 7वां भगवान के साथ संबंध कैसे है। अपने सारे संबंधों की चेकिंग करना है, क्या इन सभी संबंधों में प्रेम है, रिस्पेक्ट है, मधुरता है, या मन मुटाव है, तनाव है। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आती थी, एक माता, वो कहती थी मुझे यहां दर्द हो रहा है, ईसीजी किया नॉर्मल, ब्लड टेस्ट किया नॉर्मल, थोड़ा और बताओ क्या होता है, यहां दर्द होता है। कब होता है? एक आत्मा है, जैसे ही वो मेरे सामने आ जाती है बस यहां दर्द चालू होता है, वो हट जाती है तो दर्द गायब।
क्यों? क्योंकि गहरी घृणा है उसके प्रति, डिसलाइक है, नफरत है। उसने 10 साल पहले मुझे ऐसा कहा था। अरे 10 साल पहले कहा था, उसके बाद कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, पर हमारा मन का स्वभाव है दुख को एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है। हमें दुख से इतना प्रेम है क्या बताएं, दुख ही चाहिए। हम खोज हमारी है सुख की, पर हम लेते क्या है, दुख। 10 लोग हमारी तारीफ करे वो याद नहीं रहता, एक आकर कुछ कह दे बस, दिन रात उसका चिंतन मनन करते रहते हैं। सॉरो एब्जॉर्प्शन, दुख देते तो नहीं है पर दुख लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया बस मूड ऑफ। यहां तो अग्निपथ है, सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ जाना है, निकल जाना है। और ब्राह्मणों के सारे हिसाब किताब इन्हीं लोगों से तो चुकते होंगे, दूसरे तो कोई है नहीं। अपने डायरी में लिख के रखना है, ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। पेपर कहां से आएंगे? बाहर वालों से नहीं आएंगे। किससे आएंगे? वो जो बाजू में बैठा है ना अभी, एक बार देख लो कौन बैठा है, बस वही है उसी से आने वाला है। किससे आएंगे? जिसका हमने कोर्स कराया। किससे आएंगे? जिसका हाथ पकड़ कर सेंटर पर लेके गए। किससे आएंगे? जिसको बाबा से मिलने मधुबन में लेके आए, जिसकी इतनी पालना की, जिसको भोजन खिलाया, टोली खिलाई। आज वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। क्यों? और हम शौक में है, दुखी है, क्योंकि उसी से हमारे हिसाब है। तुमने जो किया वो तुम्हारे साथ होगा। तुमने किसी की 1 गुना निंदा की, तुम्हारी 10 गुना, 2 गुना, 100 गुना होगी। तो तीसरा, संबंध, संबंधों पर भट्टी करनी है कि मेरे संबंध ऐसे कटु क्यों है, क्यों तनाव है अपने बॉस के साथ, क्यों रोज झगड़ा होता है घर में, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। क्या करे जो इन संबंधों को ठीक कर किया जाए? अंग्रेजी में शब्द है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा दूर हट जाओ, बहुत ज्यादा चले गए पास इसलिए झगड़े हो रहे। डिटैच्ड, हर एक को स्पेस चाहिए टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। हम स्पेस देते ही नहीं है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। वो चाहे छोटा बच्चा हो उसको भी जगह चाहिए। डिटैच्ड करने दो उसको, थोड़े देर छोड़ दो, सबको छोड़ दो। ये तीसरा, तीसरी प्रायोरिटी क्या है? संबंध, संबंधों को। संबंध टूट गए तो व्यक्ति योग नहीं कर सकता, डिस्टर्ब रहता है। किसी की बद्दुआओं के साथ हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए इसमें एक और काम करना है। नेक्स्ट होमवर्क, अमृत वेला, उन आत्माओं को इमर्ज करो जिनको हमने बहुत दुख दिया है, माफी मांगो रोज, और ये रोज ही करना है काम। उन आत्माओं को इमर्ज किया करना है जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया, उन्हें माफ कर दो। माफी मांगना, माफ करना, माफी मांगना, माफ करना, ये काम बाय डिफॉल्ट सबको करना ही करना है, क्योंकि हमारे ढेर सारे हिसाब किताब इसी परिवार में है और कुछ आने वाले हैं जो हमें पता नहीं। पहले से माफी मांग के रख लो। और एक रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी बात है, इन एवरी रिलेशनशिप एक स्टेटमेंट याद रखो, आई एम रॉन्ग। गलत कौन है? मैं। फिर मरम्मत चालू होगी रिलेशनशिप्स की, रिपेयर चालू होगी। अभी फ्रैक्चर्स है। चौथी प्रायोरिटी, सेवा। संबंध सेवा के पहले है। सेवा न हुई चलेगा, पर व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कुमार है, गलती कर दी, उसको डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि ज्ञान ही छोड़कर चला गया। व्यक्ति सेवा से ज्यादा बड़ा नहीं है। सेवा फोर्थ है, व्यक्ति फर्स्ट। माता है, सेवा करती है, गलती हो गई, कुछ बोल दिया, चली गई, व्यक्ति वापस नहीं आते, सेवा तो आ जाएगी। किसी सेंटर पर एक बहन जी थे, सभी क्लास के स्टूडेंट्स ने कुछ सेवा दी,
वो किसी छोटी बहन को रखने के लिए दिया, उसने वो गुम कर दिए सारे। तो बड़ी बहन जी ने उसको थोड़ा सा कुछ कहा, डांटा, और बाद में वो पैसे मिल भी गए। बड़ी बहन जी अनुभव सुना रही थी, विदेश की कहानी है, कि उस बात को 30 साल हो गए। उसके बाद वो बहन और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी सेवाएं की साथ में, पर वो क्रैक अब तक है जो तब लगा था। इसके लिए व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, व्यक्ति इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसे आ जाएंगे, सब आ जाएगा, सेवाएं आ जाएगी, व्यक्ति जो चला गया वो नहीं आएगा, फिर रोते बैठोगे। हम सोचते तो है कि मेरा पति ज्ञान में आ जाए, पर उसके प्रति एक घृणा भी तो है। वो इतना शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, सब करता है गलत काम। हम चाहते हैं कि वो ज्ञान में आए। शायद उसके ज्ञान में आने में हम ही सबसे बड़े बाधा है। हट जाओ, वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसका कल्याण तो करना चाहते, पर कल्याण के पीछे एक सूक्ष्म घृणा भी है उसके प्रति। जब तक वो घृणा नहीं हटती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रायोरिटी सेवा। सेवा में संगम युग कर जो भी सेवाएं हो रही है, सेवा में पहला प्रिंसिपल है चैरिटी। चैरिटी अर्थात किसी को दान करना नहीं, चैरिटी अर्थात रियल अर्थ है चैरिटी का, हम जिसकी सेवा करें उसको धन्यवाद कि तुमने अवसर दिया हमको सेवा करने का। ये नहीं कि हमने तुमको उपकार किया, हमने तुम पर रहम की, हमने तुम पर कृपा की। इसका कोर्स हमने कराया था, अब तक भूला नहीं है, वो आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। जब भी उसकी चर्चा निकलती है, पर पता है उसका कोर्स किसने कराया था? हमने। वो भले कितना भी आगे जाए, पर बीज इधर है। किस सेवा केंद्र से निकला है? इधर हमारा। गुरु कौन है उसका? हम। सेवा अर्थात चैरिटी अर्थात धन्यवाद उनका कि तुमने चांस दिया हमको, क्योंकि हमारे सिर पर इतने पाप है और विकर्म है। ब्राह्मण बनने के बाद के किए हुए पापों का प्रायश्चित सर्विस है। सर्विस हमें करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद जो किए हुए विकर्म है उसका वो प्रायश्चित है, इसलिए करनी पड़ेगी। और तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। यह है चैरिटी का अर्थ। दूसरा, निमित्त भाव। टंकी ऊपर है, हम खाली नल है, पानी ऊपर से आ रहा है, हमारी क्या महिमा? उस पानी ने इस नल को चुना, नल की क्या महिमा? वो चाहता तो किसी और नल से आ सकता था। इसलिए मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये सेवा करता हूं, मैंने ऐसी सेवा की, इतने कुमार तैयार किए, कुमारियां तैयार की, इतने सेंटर खोले, इतनी जगह दी, इतनी गीता पाठशालाएं खोली, इतनी कन्याओं को तैयार किया, इतना प्रोग्राम किए, मेगा प्रोग्राम किए। संगम युग पर जो कुछ हो रहा है परमात्मा शक्तियों से हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। वो चाहता तो ये सेवा किसी और से भी करा सकता था। तुमको चुना गया है, धन्यवाद दो उसका। स्वामी विवेकानंद के जीवन में वर्णन है, उनके जीवन का अंतिम समय, 38 साल की उम्र हो गई है, 38, बस अब शरीर छोड़ने वाले हैं। सारी सेवाएं की है विश्व भर में, यहाँ गए वहां गए, दिन रात भाषण, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, मुझे करना है, एक तड़प। और अभी अंतिम पड़ाव है, हिमालय गए यात्रा के लिए, वहां से लौट रहे थे, देखा एक काली का मंदिर है टूटा फूटा, वहां पर उन्होंने एक पूजा की, एक 4 वर्षीय बच्ची की जिसको माँ समझ कर, वहां पर देखा मंदिर को, किसने तोड़ा मंदिर को? मुसलमानों ने। उत्तर आया, अच्छा अगर मैं होता तो टूटने नहीं देता इसको, मैं लड़ाई करता उनसे। क्रोध आया, फिर घर गए, सोए। दूसरे दिन सोचा क्रोध करने से क्या फायदा, फिर गए, फिर सोचा मैं अब चंदा इकट्ठा करूंगा, सन्यासी हूं, चंदा इकट्ठा करके फिर से जीर्णोद्धार करूंगा इस मंदिर का। घर गए, रात में स्वप्न आता है, माँ काली कहती है कि तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी? क्या सोच रहे हो कि मैं रोक देता? अरे क्या मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं चाहूं तो अपने दुनिया भर में मंदिर बना सकती हूं? डू यू प्रोटेक्ट मी और आई?
बस तब से छोड़ देते हैं वो सब, जो हो रहा है होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वे साखा। सब कुछ वो करा रहा है, हम कहाँ हैं, हम कहीं पर भी नहीं है।